कक्षा सातवीं की विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ब्रैकेट में बच्चों क्या क्या दिया हुआ देखिए, तापमान है, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, आर्द्रता है, अम्लीय है, भार, उदासीन, आकार। हमें इसमें से चुनकर उत्तर को लिखना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हवा की वाष्प धारण करने की क्षमता हवा के डैश के अनुसार निश्चित होती है। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आएगा आर्द्रता, तो इसमें हम आर्द्रता उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में 3 खाली स्थान है। पानी का अपना डैश नहीं होता, परंतु निश्चित डैश और डैश होता है। पानी का अपना आकार नहीं होता, परंतु निश्चित घनत्व और द्रव्यमान होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए बच्चों, पानी के जमते समय इसका डैश बढ़ता है। बच्चों, पानी के जमते समय इसका आयतन बढ़ता है, तो खाली जगह में हमें क्या लिखना, आयतन। और अंतिम खाली स्थान है डैश, मिट्टी का पीएच 7 होता है। तो बच्चों, उदासीन मिट्टी का पीएच 7 होता है, तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, उदासीन मिट्टी। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 ऐसा क्यों कहते हैं, हवा भिन्न भिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। बच्चों, उत्तर हम क्या लिखेंगे, हवा में कई प्रकार की गैसें पाए जाते हैं, यह सभी घटक मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हवा विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। प्रश्न क्रमांक 2 पानी को सार्वत्रिक विलायक है। पानी में अनेक पदार्थ आंशिक रूप से या पूर्णतः घुल जाते हैं, इसलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों देखिए क्या है, स्वच्छता के लिए पानी का विकल्प नहीं है। मतलब स्वच्छता के लिए पानी के अलावा कोई विकल्प नहीं, क्यों? क्योंकि बच्चों, पानी आसानी से उपलब्ध होने वाला, अत्यंत सस्ता तथा बिना मूल्य मिलता है। इससे हम अपने कपड़े बर्तन स्वच्छ कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इसलिए बच्चों कहा जाता है स्वच्छता के लिए पानी का विकल्प नहीं है। अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक मूल्य देकर प्राप्त होते हैं। पानी एक ऐसा द्रव है जिसे हम अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक मूल्य देकर नहीं प्राप्त करते, मतलब बहुत ही कम पैसे हमें देने पड़ते हैं। अतः स्वच्छता के लिए पानी के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगला बच्चों क्या होगा बताओ, उसमें पहला है हवा में वाष्प का अनुपात बढ़ गया। बच्चों, हवा में वाष्प का अनुपात बढ़ने पर हवा की आर्द्रता बढ़ जाएगी। दूसरा प्रश्न क्या है, जमीन में निरंतर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाए। जमीन में निरंतर एक ही प्रकार की फसल उगाने पर जमीन के पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी, कुछ समय बाद उसकी उर्वरकता कम हो जाएगी और खाद्यान्नों का उत्पादन भी कम हो जाएगा। बच्चों, जोड़ियां मिलाना है, बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं। यहां पर बच्चों हमारे पास समूह अ में हवा है, पानी है और मृदा है।
म में है उत्सर्जन क्रिया, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकार्यता। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हम क्या लिखेंगे, हवा प्रकाश का प्रकीर्णन, पानी उत्सर्जन क्रिया और मिट्टी मृदा आकार्यता। मतलब आकार्यता का मतलब कि मिट्टी को हम अधिक आकार दे सकते हैं, आकार्यता। इस तरह से हमें जोड़ियां मिलाने का उत्तर लिखते समय हमें ध्यान देना है कि उत्तर हमेशा बीच में ही लिखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, बच्चों हमें सत्य या असत्य पहचानना है। पहला प्रश्न है, बलुई मिट्टी की जल संधारण क्षमता कम होती है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, हम सत्य कि बलुई मिट्टी में जल संधारण करने की क्षमता कम होती है। दूसरा प्रश्न है, जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। बच्चों सत्य है। तीसरा देखिए बच्चों, हवा द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, सत्य है। बच्चों इस प्रश्न में तीनों प्रश्न के उत्तर हमारे क्या है, सही है। अब आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए बच्चों, निम्नलिखित चित्र संबंधी स्पष्टीकरण तुम्हें हरे शब्दों में लिखो। यहाँ पे आकृति अ में देख रहे हैं कि जमीन में छिद्र बना हुआ है और उसमें पानी दिखाया गया है, और दूसरी आकृति दिख रहे हैं आप, जमीन में बने छिद्र में आ में क्या है, बर्फ दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर हम कैसे वर्णन करेंगे, देखिए। नंबर 1, चित्र अ में जमीन में बने छिद्र में पानी दिखाई दे रहा है, यह द्रव अवस्था है। पानी क्या है, द्रव अवस्था है। बच्चों चित्र आ में यही पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। हवा का तापमान कम होने पर पानी का भी तापमान कम हो रहा है, बर्फ का निर्माण हो रहा है, अतः पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम है। पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण उसका घनत्व कम होता है और आयतन बढ़ता है। इस तापमान पर पानी का प्रसरण हो रहा है जिससे जमीन में बना छिद्र कुछ चौड़ा हो गया है। चित्र आ में यह अंतर दर्शाया गया है। तो इसे ही जल का असंगत व्यवहार कहते हैं। ये क्या है, जल का असंगत व्यवहार दर्शाता है। बच्चों अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। हवा द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, मतलब यहाँ पे हमें हवा द्वारा प्रकाश कैसे फैलता है इसके बारे में लिखना है। हवा में बच्चों गैसें हैं, धूल कण हैं, जलवाष्प के सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है। जब सूर्य का प्रकाश हवा में उपस्थित इन सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब यह सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की किरणें के बिखेरने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बच्चों, देखिए पानी के विभिन्न गुणधर्म स्पष्ट करें। मतलब अभी हमको यहाँ पे पानी के जो गुणधर्म है उसके बारे में बताना है। बच्चों पहला गुणधर्म है प्रवाहिता। पानी ढालू तल पर आसानी से बहता है। दूसरा गुणधर्म क्या है, उत्तम शीतक। मोटर गाड़ियों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। तीसरा है सार्वत्रिक विलायक। पानी में बहुत से पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए हम पानी को सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। चौथा है शारीरिक क्रियाएं। शरीर के अंदर पाचन, उत्सर्जन,
जैसी क्रियाओं में पानी सहायता करता है। पांचवा पॉइंट, अंतिम पॉइंट क्या, प्रक्षालकता। पानी उत्तम प्रक्षालक होने के कारण हम पानी द्वारा मैले कपड़ों तथा झूठे बर्तन को साफ करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या, देखिए बच्चों, समुद्र के पानी का घनत्व बारिश के पानी के घनत्व से अधिक क्यों होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि समुद्र के पानी का घनत्व बारिश के पानी से अधिक क्यों है। समुद्र के पानी में लवणों के घुलने के कारण पानी का आयतन नहीं बढ़ता परंतु उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसलिए समुद्र के जल का घनत्व वर्षा के शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है या शुद्ध जल घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छी मृदा रचना का क्या महत्व। अच्छी मृदा मतलब मिट्टी, अच्छी मिट्टी, इसकी रचना का क्या महत्व है। उत्तर क्या लिखेंगे, जमीन की उर्वरता मिट्टी की रचना पर निर्भर होती है। मिट्टी की रचना अच्छी हो तो जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ऐसी मिट्टी से पानी का निकास अच्छा होता है और पौधों की जड़ें की वृद्धि तेजी से होती है। अगला प्रश्न क्या बच्चों, मृदा के विविध उपयोग कौन कौन से, मतलब मिट्टी के क्या क्या उपयोग है, इसका वर्णन हमें करना है। बच्चों इसका उत्तर हम पॉइंट में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे वनस्पति संवर्धन, मिट्टी से ही पौधों की वृद्धि में सहायता मिलती है। जल धारकता, मिट्टी पानी को पकड़ कर रखती है। सुघट्यता, सुघट्यता इस गुणधर्म के कारण मिट्टी को अपेक्षित आकार दिया जा सकता है। मिट्टी से बच्चों घड़े, गगरियां, दीपक, मूर्तियां बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, किसानों की दृष्टि से मृदा परीक्षण की आवश्यकता और महत्व क्या है। मतलब किसानों के दृष्टिकोण से मिट्टी का परीक्षण की आवश्यकता क्यों है और क्या इसका महत्व है। बच्चों पहला पॉइंट, किसानों द्वारा जमीन की मिट्टी में ही फसलें उगाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, मृदा परीक्षण द्वारा जमीन की मिट्टी के घटकों का अनुपात ज्ञात होता है। मृदा परीक्षण के द्वारा ही रंग, गठन तथा कार्बनिक पदार्थों का अनुपात ज्ञात होता है। सही परीक्षण होने पर फसल उगाकर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त करते हैं। जमीन में जो पोषक पदार्थ कम हो उनकी जानकारी मिलती है। परीक्षण में मिट्टी के पीएच तथा विद्युत वाहकता का परीक्षण किया जाता है, मतलब कि मिट्टी की क्वालिटी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका परीक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्वनि के संचरण के लिए हवा का क्या महत्व है। बच्चों ध्वनि के प्रसरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और हवा क्या है, गैसी अवस्था वाला माध्यम है, इसलिए हवा में उत्पन्न होने वाली ध्वनि हवा द्वारा दूर दूर तक पहुंचती है। यदि कि पृथ्वी के पृष्ठ पर हवा ना होती तो हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, और हवा ही नहीं हो तो हमें कोई ध्वनि मालूम पड़ेगा नहीं मालूम पड़ेगा, इसलिए ध्वनि के संचरण के लिए हवा का अत्यधिक महत्व है। बच्चों इस पाठ का अंतिम प्रश्न, इसके बारे में हम देखेंगे। पानी से पूर्णतः क्वेश्चन देख लीजिए पुनः आप, क्या है पानी से पूर्णतः भरी हुई कांच की बोतल फ्रीजर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। बर्फ बनते समय पानी के असंगत व्यवहार के कारण उनका प्रसरण होता है। जब पानी का तापमान 4 अंश सेल्सियस से कम होता है तब उसका प्रसारण होता है और आयतन बढ़ता है। इसके कारण पानी से भरी हुई बोतल की
आंतरिक भाग पर दाब क्रियाशील होता है, इसके कारण बोतल टूट जाती है और टूटी हुई बोतल कांच की हो तो परेशानी बढ़ सकती है। बच्चों, इस तरह से हमारा पाठ का प्रश्नोत्तर का समापन हुआ है। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के रूप में आप हमारे पास भेजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम अगले पाठ चौथा इस पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।